नमस्कार, मैं अशोक पिन्यानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज़। उल्लासनगर शहर में आज 4 अगस्त को 44 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ शहर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 6988 पहुंच चुकी है। वहीं आज 173 लोगों को डिस्चार्ज मिलने की खबर है। इसी के साथ अब तक 5981 लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं। वहीं मृतकों की संख्या 145 पहुंच चुकी है, जो कल तक 142 थी। इस समय शहर के 862 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं, मतलब एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से कोविड केयर सेंटर में 113, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 121, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 59, होम आइसोलेशन 161 व उल्लासनगर मनपा क्षेत्र के बाहर 408 लोगों का इलाज चल रहा है। आज जिन 44 मरीजों की जानकारी मिली है, उनमें कैंप नंबर 1 से 1 मरीज है, जो अमन टाकीज के पास परिसर का बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 2 से भी 1 मरीज है, जो गुरुद्वारे के पास खेमानी परिसर का बताया जा रहा है। इसके अलावा कैंप नंबर 3 से आज 12 मामलों की जानकारी मिली है, जिसमें शांति नगर परिसर से 6, अयोध्या नगर परिसर से 2, जवाहर टाकीज के पास 1, चोपड़ा कोर्ट के पास 2, ओटी सेक्शन परिसर का 1 मामला बताया जा रहा है। वहीं आज कैंप नंबर 4 से 17 मामलों की जानकारी मिली है, जिसमें राजावीर मंदिर के पास 1, 25 सेक्शन परिसर से 1, 31 सेक्शन परिसर से 4, मराठा सेक्शन परिसर से 1, बैरक नंबर 1266 परिसर से 2, कांसई रोड परिसर से 1, बैरक नंबर 1648 परिसर से 1, संभाजी चौक परिसर से 2, शिव शक्ति कॉलोनी परिसर से 2, स्टेशन रोड परिसर से 1, गुरु नानक हाई स्कूल परिसर का 1 मामला बताया जा रहा है। वहीं आज कैंप नंबर 5 से 10 मामलों की जानकारी मिली है, जिसमें सह्याद्री नगर परिसर से 2, लालसाई बंगलो परिसर से 2, अमित्रा मित्र मंडल परिसर से 1, वीर तानाजी नगर परिसर से 4 व गांधी रोड परिसर का 1 मामला बताया जा रहा है। इसके अलावा शहर के विभिन्न परिसरों से 3 और मामलों की जानकारी मिली है। टाउन दर्शन इसी तरह से रोज़ आपको अपडेट देता रहेगा। ये अपडेट जानने के लिए जल्द से जल्द टाउन दर्शन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ। नमस्कार।